इस एरिया की मिट्टी थोड़ी नरम है, लगता है इसे हाल ही में खोदा गया है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से खोदने का सामान ढूंढो। कमान क्विक सर। चलो इस बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजो और जो भी रिपोर्ट्स मिलती है उसे हमारे पुलिस रिकॉर्ड के साथ टैली करो। सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह बॉडी अरुण की है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट से क्या पता चला? यही ना, वो उसकी बॉडी नहीं है। आई बैक टू डिफर सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो अरुण की ही बॉडी थी। दैट्स सरप्राइजिंग ऑफिसर, आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। इस कार्ड को पहचानते हैं आप? हाँ, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, 2008 में हुई थी। एग्जैक्टली। इस कार्ड का इंस्पेक्टर अरुण के घर पे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जानते थे कि अरुण जिंदा है और आप उसके कांटेक्ट में भी थे। Am I right, sir? Right, officer. लगता है तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच? मैं सब के बारे में जानता हूँ। एक्चुअली अरुण एक अंडरकवर एजेंट था। उस एक्सीडेंट के बाद हमने उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी ताकि वो एक जासूस बनकर उन गैंग्स की इंफॉर्मेशन हमें दे सके जिन्हें मैं खत्म करना था। That's all. सर, इंस्पेक्टर अरुण अगर एक अंडरकवर एजेंट था तो उसके लॉकर में से करोड़ों के हीरे कहां से निकले? डायमंड्स। यस सर, डायमंड्स। जिस बैंक लॉकर की मैं बात कर रहा हूं उस बैंक में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी और चोरों ने सिर्फ अरुण का लॉकर तोड़ा और वो करोड़ों की हीरे लेकर भाग गए। यू हैव एनी आइडिया कि अरुण के पास इतनी अवैध संपत्ति कहां से आई? सर, ये न्यूज़ तो मेरे लिए भी शॉकिंग है। अरुण ने अपने लॉकर में डायमंड्स छुपाए थे? बट नॉट सरप्राइजिंग। हो सकता है अगर एक अंडरकवर एजेंट बेईमानी के रास्ते पे उतर आए तो अपराधियों के साथ हाथ मिला सकता है, उनकी ऑपोजिट गैंग के एनकाउंटर कर सकता है, उससे उसे बहुत पैसा मिल सकता है। पर आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। इनफैक्ट मैं तो उसके कॉन्टैक्ट में 3 साल से नहीं। सर, मुझे लगता है जिसने भी ये चोरी की है उसी ने इंस्पेक्टर अरुण का खून भी किया है, क्योंकि वो उसकी नई आइडेंटिटी और उसका नया एड्रेस दोनों की जानकारी रखता था। यू राइट ऑफिसर, पर ये कौन है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल है सर, इम्पॉसिबल नहीं। मैं अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट से पता लगाता हूँ, अगर उन्हें अरुण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कुछ पता चलता है I'll call you. I would appreciate that, sir. Thank you. इसमें thank you की क्या बात है? फोर्स की मदद करना तो मेरा फर्ज है। And remember, once a cop, always a cop. Sure, sir. Take care, John. Thank you, sir. सर, इंस्पेक्टर अरुण एक अंडरकवर एजेंट था और वो DIG शमशेर के लिए काम किया करता था। DIG साहब ने कहा है कि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा, हमें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। अगर कोई अंडरकवर एजेंट को खत्म करके उसका पर्सनल लॉकर लूटता है तो बहुत पहुंची हुई चीज है वो। उसे अब यह पता चल गया कि हीरा के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, तो उसने हीरा को भी खत्म कर दिया। बोले तो एकदम बाप आदमी। सर, मैं तो बोलता हूँ इसका पता निकालना ही पड़ेगा। रियली? अच्छा, आपको ऐसा लगा? मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं जाके पता लगाता हूँ ना, आप यहाँ बैठ के स्टाफ के साथ गप्पे मारिए। अरे क्या सर, आप भी ऐसा बैक गियर मार रहे मेरे को। मैं पता करूँ? मैं कैसे? सर, जिस किसी ने भी डायमंड छुड़ाए वो मार्केट में बेचने की कोशिश जरूर करेगा, क्यों ना हम मार्केट में अपना जाल फैला दे। हाँ, और ये सब चोरी वोरी का सामान किधर मिलता ना, सब मालूम है मेरे को। मतलब वो खबरी लोग ने बताया कि
कहाँ मिलता है इसके लिए सब मालूम है मेरे को। यानी हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई डायमंड बेचने नहीं आता। सर क्यों ना हम ब्लैक मार्केट के हर एक ज्वेलर को पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं, जो भी झूठ बोलता लगेगा उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। अरे ओ रैम्बो भाई, ये घुसा पीसा कंट्रोल में रखने का। शौर्य तू अपना आइडिया बता ना। मैं अपना बता चुका हूं, अब बाकी जैसा सर कहे। ये डायमंड डायमंड मार्केट के हर डायमंड मर्चेंट को दिखाओ, उनसे ऐसे हीरो की डिमांड करो, वो अपनी डिमांड मार्केट में रखेंगे जो मुजरिम तक पहुंच जाएगी। और सर जैसे ही वो सामने आया उसकी गर्दन तो पूछ लेंगे। एग्जैक्टली, हम दाना डालते जाएंगे, देखते परिंदे फंसते हैं या नहीं। अच्छी तरह से देख ले उसको, देख ले अच्छी तरह से। 18 पीस चाहिए मेरे को, मेरा पार्टी के लिए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और 18 दिन में। लेकिन ऐसा हीरा मिलना तो मुश्किल है। तभी तो मैं तेरे पास आया साईं, कोई हीरा बेचने को आवे, गिरवी रखने को आवे, मेरे को फोन करना। हाँ, उसको फोटो बना के आप दिमाग में उतारो, ऐसा डायमंड मिलेगा तो मुझे फोन करना। ये ऐसा एग्जैक्ट डायमंड मेरे को ढूंढ के दो, ठीक है? क्या यार, अक्का दिन वेस्ट कर दिया अपना, बैड लग देगा अपना। ए हीरे वीरे के चक्कर में कुछ पता ही नहीं चला आपने। अभी हीरा चुराया सर, कोई गटर का ढक्कन तो मारा नहीं है, एक घंटे में उसको बेचने के लिए पहुंच जाएगा। नहीं रे, तू समझा नहीं। देख, आज तक मैंने जो भी झोल झपाटा जो होता है ना, मतलब जो भी चोर लोग करते हैं झोल झपाटा, समझा? वो चोरी करने के बाद उन लोग जाके माल बेचने जाते थे और मैं फौरन जाके उन लोगों को धर दबोच लेता, वैसा, समझा ना? ये कौन है अभी? हेलो, बोल। हाँ तो क्या बाजू वाले का नंबर है क्या? चलना है फुटेज आगे, बोल। चल मेरा ही नंबर है क्या? हाँ हाँ साईं, वो उसको बोलो कि उधर ही खड़े रहने को, हम लोग उधर आके उसको मिलेगा। कोई बात नहीं साईं, दो है तो क्या हुआ, और 16 भी मिल जाएंगे। ठीक है साईं, थैंक यू, ओके। देखा मैं तेरे को क्या बोला था, ये चोर लोग ना बहुत खुजली रहती उन लोगों को सामान बेचने की। चल चल गाड़ी निकाला, भूख लोगों को पकड़ते चल। रोकड़ा लायो। अरे रोकड़ा मिल जाएगा, पहले हीरो का दर्शन करा, चल ला ला ला। पहले माल। बेटा माल तो तुझे हवालात में मिलेगा भी। बता वो हीरे कहां से लाया? उठ, क्या कर रहे है? छोड़ उसको, छोड़। अरे पागल है क्या? सुन दोस्त है अपना, दोस्त क्या कोई करता है? इधर इधर देख, वो पुलिस ऑफिसर है ना, बहुत एड़ा है, बहुत फोड़ेगा तेरे को। ना तेरा फायदा ना मेरा फायदा, और चौकी जाएगा उधर अलग से पड़ेगी तेरे को। साहब मेरे को तो नहीं पता साहब, मेरे को तो बस सुरंग खोदने के लिए बुलाया था साहब उसने। अच्छा सच्ची? फिर आगे क्या? साहब 20,000 की दाढ़ी पे बुलाया था। ये तो कोई बैंक लगता है, ये गलत काम करवा रहे हैं आप हमसे। तो इतना मोटा पैसा क्या अपनी कब्र खुदवाने के लिए दिया है तुम लोगों को? अब चुपचाप यहीं रहो।
खबरदार, जो एक भी हीरे को हाथ लगाया तो यहीं जान से मार दूंगा। एक एक हीरे को चुन करके इस थैली में रखो। देता हूँ सर, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ सर। लीजिए, लीजिए सर। अब चलो 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 यहाँ से। तो हीरे उठाकर मैंने दिए और दो हीरे साहब मैंने चुरा लिए, वही बेचने आया था साहब। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब छोड़, माँ की छोड़ और बाप के बारे में बता, उसकी कुछ डिटेल बता, कैसा था, कैसा दिखता था, कुछ याद है? नहीं साहब, वो तो पता नहीं, वो तो हमेशा मास्क पहना रहता था साहब, शक्ल तो कभी देखी नहीं अपन ने। तो कोई आदत होगी ना उसकी, वो खुजाने की या ऐसा कुछ एक्सीडेंट में बात करने की, स्टाइल में बात करने की, कुछ बोलने की? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। तो आता जाता कैसा था? वो बाइक थी कुछ ग्रीन कलर की, बड़ी सी हेडलाइट थी, मोटे से टायर थे साहब, बिल्कुल हटके थी साहब। सर, ये बाइक तो जकाती जैसी दिखती है, पर शायद मॉडिफाई कराई गई है। इसके लिए शहर के हर जोन के आरटीओ और हर गैराज में जाके चेक करना पड़ेगा। सर, जकाती बाइक का जान से चेक करो। इस शहर में जितने भी बाइक ऑनर से मुझे सबके नाम और पता चाहिए। साहब, मैंने ही बनाई है। तो पक्का? हाँ साहब, मस्त है ना। किसकी बाइक है, किसकी बाइक है ये? चलो साहब बताता हूँ। चल, यही घर है साहब, यही घर है। साहब वो भाग रहा है। मैम, सर ये रास्ता रेलवे फाटक की ओर जाता है? जी सर, आगे से लेफ्ट। बच के निकल गया सर। बच के जाए काका। हेलो डैड।
मुझे मालूम है तूने मेरी बीबी का खून किया है, मैं ये फ्यूज लगा रहा हूं। चुपचाप नीचे आ जाओ वरना गोली से उतारना पड़ेगा। तूने मेरी बीबी को क्यों मारा? बता तूने मेरी बीबी को क्यों मारा? ड्रॉप द गन ऑफिसर। आई सेड ड्रॉप द गन। डीआईजी साहब आप सरप्राइज्ड? ओके सन, किल हिम डैड, किल हिम। डैड, ये आपका बेटा? हाँ ये मेरा बेटा है ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर और देश का जासूस। लेकिन आपको ये सब क्यों करना पड़ा? डायमंड्स ऑफिसर, डायमंड्स। शायद तुम्हें पता नहीं उनकी कीमत कितनी है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कुमार ले गया और उसने वो डायमंड्स अपने लॉकर में छुपा दिया। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने उससे, बहलाया फुसलाया, नहीं माना। अफसोस उसे मारना पड़ा। और फिर वो बैंक रॉबरी का प्लान, और एक्टर सुमित को, उसे भी मैंने ही मारा। और अब तुम तैयार हो जाओ शहीद होने के लिए। एसीपी प्रताप को मारना हलवा है क्या? गेम खल्लास। किसने मारा मेरी बीवी को? किसने मारा मेरी बीवी को? बताओ मेरी बीवी का कातिल कौन है? बताओ, बताओ। इडियट, किसने बोला था तुम्हें इसे शूट करने के लिए? Who told you to shoot? इसी डबल बैरल गन का इस्तेमाल किया था ना? हमने नहीं मारा, पर तुम पहुंचना चाहते हो ना, वो तुम्हारे से पहले तुम तक पहुंच जाएगा। एम्बुलेंस बुला ले, लपेट ले सर। ये सम्राट चल मैं आप। हाँ बोल। क्या बात है, अभी तक तेरा फोन नहीं आया? हाँ बाबा, तेरा ही काम चल रहा है, टेंशन मत ले। एसीपी के दिल और टीम में अपुन ने जगह बना लिए, तो काम हो जाए। ठीक है, पर मेरे काम का क्या? अरे नूडल बनाने नहीं दिया है मेरा भाई, कि दो मिनट में बन जाएगा। एसीपी की खिचड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दे मेरे को, समझा? ठीक है, हम तुम्हें वक्त देते हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि एसीपी हमसे आगे ना निकल जाए। अरे एड़ा, रेस लगाने को आया क्या इधर तू? हाँ तेरे को बोल रहा हूँ टाइम दे तो टाइम देना।